साथियों नमस्कार। जिस तरह से हम लगातार रिपोर्टिंग करते आए, आज 9 तारीख है, हम लखनऊ में पहुंचे। लखनऊ में गोले चौराहे पे पहुंचे, जहां पे आपको नीला रंग देखने को मिलेगा। यहां पे एक कार्यक्रम हो रहा है, आज 9 अक्टूबर है। आपको पता है कि बहन मायावती जो कार्यक्रम कर रही है, माननीय कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर कर रही है। आज यहाँ पे लाखों की भीड़ होगी और लाखों की भीड़ में 75 जिलों में से चलकर लोग आएंगे। अभी हम उन लोगों से बात करते हैं, कहाँ से लोग आए हैं, उनका क्या विचार है, कैसा नहीं है। आप कैमरे को नजर से घुमाते रहिए, दिखाइए किस तरह से यहाँ पे भीड़ है, किस तरह से नहीं है। कुछ साथी हम उनसे भी बात करेंगे, क्या बहुत साथी लोग हैं जो बसपा की रैली में आए, बात करेंगे। भैया आपका परिचय क्या है? हमारा नाम भारतीय, हम डिस्ट्रिक्ट बस्ती का रहने वाले हैं। बस्ती से? बस्ती से। किस लिए आए? बहुजन समाज पार्टी की रैली में आए। बहन माधव जी ने आज कार्यक्रम लगाया 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को आज पूर्ण तिथि है मानव का, मानव कांशीराम का पूर्ण तिथि, इस वजह से हम लोग यहाँ रैली में आए हुए हैं। कहाँ से? बसपा से। कितने लोग? विधानसभा हमारा, कितने लोग आए? हम कम से कम 5 बस भर के आए हैं और एक बस में 70 सीट है। 70 सीटों में सब खड़े होकर के आए हैं। एक बस में 70 सीट है, 70 सीट जो है फुल सी और उसमें खड़े होकर के, खड़े होकर के सब लोग। कितनी बसें आए? हमारे विधानसभा से 8 बसें आई। 8 बसें? क्या फोर व्हीलर भी आई है? फोर व्हीलर मतलब हमारे मान्यवर के साथ में आई। अच्छा, जिस तरह से अभी पता चला कि बस्ती से आए हैं और फोर व्हीलर बसें भी आई हैं, दूसरे बात करते हैं। उनका क्या परिचय? आपका भैया परिचय? कहाँ से? बस्ती से आते हैं। मायावती जी की रैली में आया है, वो तो संबोधित करेंगे। क्या संबोधन करने आया है? आप भैया आप क्या कर रहे हैं? रैली में आए हैं। रैली में कहाँ से आए? बस्ती से। पढ़ते हैं? कितने में? क्या लगता है आपकी बार मायावती के चुनाव, जो 2022 का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी को बनाना है। अब की बार जो है पूर्ण बहुमत से बना, पूर्ण बहुमत के 300+ सीटें आएंगी। 300+ सीटें आएंगी। जिस तरह से देखा जाए तो भाई विरोधी पार्टी है, जो भाजपा पार्टी है, बड़े बड़े बैनरों पे होर्डिंग लगाई है, 350+ पार की दावा कर रहे हैं। क्या कहें? नहीं, वो साफ जो है जुमला है, मोदी जी जुमलाबाज, मोदी जी जुमलाबाज। जिस तरह से यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, मोदी जी जुमलाबाज है। चाचा आपका क्या कहना है? मेरा कहना, मैं मानवर कांशीराम के श्रद्धांजलि देने आया, इसलिए देने आया हूँ। मुझे उठने से, बैठने से, बोलने से, खड़ा होने से, एमपी एमएलए बनने से हमें अधिकार दे दिए हैं। उनको एक बार नहीं, लाखों बार श्रद्धांजलि देने आए हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी के जो झूठे वादा है, झूठे नारा है, एक सबसे झूठे हैं, झूठे रहेंगे। बीजेपी खुद ही साफ होने जा रही है। कहाँ से आए हैं आप? मैं आजमगढ़ जिला दीदारगंज विधानसभा से आया हूँ। क्या लगता है, बसपा से कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी है आप? मैं विधान सेक्टर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, हाँ। क्या माहौल है आपके इधर? मेरे 10 विधानसभा, 10 विधान पूर्व मध्य कितने जा रहे हैं आजमगढ़ जिले। क्या लगता है आपकी बार बहुजन समाज पार्टी जो है पूर्व पदाधिकारी? आप दिखाते रहिए, जिस तरह से यहाँ पे जोर और जुलूस दिख रहा है लोगों में, बहुत सारे लोग हैं, नारा लगा रहे हैं। अब की बार कह रहे हैं 2022 में पूर्ण बहुमत से मायावती की सरकार बनाएंगे। क्या पक्ष है? 2022 300 के पार है। कहाँ से हैं? जलालपुर। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? जालौन से आए। क्या करने आए? किधर से? नेता की तरफ से आए हैं, अपने साधन से आए हैं? नेता की तरफ से आए, बस से आए हैं। 2 बजे? 2 बजे। कितने भीड़ है अभी? तो हम अंदर नहीं गए, आप बताइए। 1 लाख आदमी है अंदर। क्या लगता है, स्मारक में जगह नहीं मिलेगी क्या? पर नहीं मिलेगी, अभी बहन जी हमारी नेता आ जाए, हमारी नेता बहन जी आ जाए, जगह नहीं मिलेगी। आपका कहना है इस बार सरकार बन रही है, आप ये चक्कर में ना रहिए। इस बार बहन जी की सरकार आ रही है, आप सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं, हमारी बहन जी की सरकार आ रही है। इस बार बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बन रही है, बस ये चक्कर में रहो, ज्यादा सब कुछ भूल जाओ ये सब। अभी अभी पता लगा है कि अभी मुखिया बहन जी नहीं आए हैं और स्थल जो है भर चुका है, वहाँ कदम रखने की जगह नहीं है, नीले रंग से एकदम भर चुका है। आज
भगवा रंग वाले डर जाएंगे आज ये देखना। सभी लोग जो है अपने साधन या पार्टी के तरफ से जो गाड़ी है उससे आए हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या लगता है भैया, आप नीले रंग से जो है गमछा मुंह के तरह दिखते हैं, क्या लगता है ये? जी इस बार हमारी बहन बीमारी मायावती जी की सरकार आने वाली है, जो भगवा जारी झूठ बोलकर हम लोगों को गुमराह करते हैं ना, ये अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बहुजन समाज लोग जाग चुके हैं, अपना हक और अधिकार मांगने के लिए जागरूक हो चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं, और इस बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आने वाली है, इसमें निसंकोच है। कहाँ से है आप? जी मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से देहात से या बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी कब से राजनीति में जुटे हैं? मैं राजनीति में नहीं जुटा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज के साथ शोषण होता चला आ रहा है। अभी देखा दिल्ली कांड, आपने हथरस कांड देखा, वहाँ पे किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, और न ही सरकार कोई आवाज उठाती है। अगर वहाँ पे हमारे बहुजन लोग आवाज उठाने जाते हैं तो उन्हें दबा दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है हर नेता को। और क्या कहना सर, तो सरकार इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज को दबाना चाहती है और मनुस्मृति संविधान लगाना चाहती है, हम लोगों को दोबारा से गुलामी की ओर दबाना चाहती है। जिस तरह से अब युवा जाग चुका है, वो कह रहा है जो बीजेपी सरकार है वो मनुस्मृति लाना चाहती है और संविधान को खत्म करना चाहती है, अब नहीं चलेगा योगी जी, आपसे सुन लीजिए, मनुस्मृति लागू नहीं होगी, संविधान लागू था और लागू रहेगा, ये युवाओं का कहना है। अभी लखीमपुर खीरी कांड हुआ है, आवाज पीछे से आ रही है, हम उस पर बात करेंगे। क्या कहते हैं लखीमपुर खीरी कांड में जिस तरह से हत्या हुई है, पूरा का पूरा बीजेपी सरकार योगी सरकार को हम लोग जो है कह रहे हैं उनके हाथों द्वारा कराएंगे। अभी तक जो है आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, गिरफ्तार नहीं, हमारी बहन जी जिस दिन सरकार बनाएगी कुर्सी पे आएगी शपथ ग्रहण होगा, उसके 11 घंटे के अंदर बहन जी का कहना है कि हम जो है तुरंत आरोपी को जेल में डालेंगे। हाँ भैया जीते माता जी, माता जी हो भैया, कहाँ से आए हैं? हम बंगले बाजार से, यही से हैं क्या? हाँ, निवासी हैं। हाँ, क्या लगता है आपके बगल में मायावती भी आ रहे हैं, क्या? हाँ, लगता है हमको मायावती बच्चा बड़ी अच्छा लगता है, अच्छा नेता है। हाँ, बहुत अच्छी नेता है। अब मोदी जी तो भी बहुत अच्छा राशन दे रहे हैं, सरकारी योजना है। अच्छा हम लोगों से लेकर के दे रहे हैं। देखिए कट्टर मोदी के विरोधी जो है, योगी के विरोधी माता जी जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अपनी बार वोट नहीं देंगे? नहीं 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 मायावती कोर्ट दे, कब से देती आ रही हमारे साथ में और भी महिलाएं जुड़ चुकी हैं, माता के समान आप पीछे चलिए, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आई हैं? क्या नाम है आपका? माया देवी। यहाँ पे जो है आज जो मुख्य अतिथि है बहन मायावती है, उनको सुनने के लिए माया देवी आई है, इसमें क्या कहना है? क्या चल रहा है, क्या लगता है आपके क्या माहौल? दादा कहाँ से आए हैं आप? दादा कहाँ से आए? भदोही शहर से। अच्छा यूपी से आए हैं, क्या लगता है आपकी बार ये जहाँ ये अस्पताल है कार्यक्रम हो रहा है भर जाएगा? अच्छा लग रहा आपकी बार सरकार बना कर ये कैमरा घुमाइए हमको जो है, हम सभी से बात करना चाहते हैं और बात करेंगे अब की बार जो है 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव को ये युवा लोग जो है किस नजर से किसको देख रहे हैं? माता जी आपका क्या परिचय है? आपको परिचय मायावती नहीं है, मोदी तो बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं यही के निवासी हैं। हाँ, क्या लगता है आपके बगल बसपा के सुप्रीमो मायावती जी आ रहे हैं? देखिए ना बदलाव, देखिए पूरा गोमती नगर तक क्या बदलाया हमारी बहन जी। क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पे नीला रंग दिख रहा है, क्या पूरा लखनऊ नीला रंग नीला ही होगा? लाल लाल हो, पीला नहीं होगा। आपका परिचय क्या? अच्छा हमारा नाम जय किशन है, हम लखनऊ से, हम लोग 70-80 आदमी आए हुए हैं लखनऊ से ही। लखनऊ से यहाँ से सदा कांड।
सदा करण कितना दूर पड़ता होगा? मुश्किल से 3-4 किलोमीटर है। करवास से आके सो रहे हैं यहीं, केवल अपनी बहन जी से मिलने के लिए आए, उनकी सरकार बनाने के लिए आए। जो है बुजुर्ग और युवा जो है जो इस समय वर्तमान में सरकार चल रही है उस सरकार से काफी नाराज और दुख है और काफी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। डायरेक्टली जो है गाली गलौज दिया है कहूना। बहुत सारे युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे। थोड़ा बाहर निकलिए, हमको जो है रेच दिया गया था, बाहर आइए। हम बाहर को दिखाना चाहेंगे, जिस तरह से देखिए ये गोल चौराहा है, ये पूरा नीले रंग हुए। आज मायावती जी कार्यक्रम करेंगी और कहाँ है? मैं तो जौनपुर से हूँ, जौनपुर हमारे बगल में प्रयाग है। क्या बसपा से कोई पदाधिकारी है? मैं बसपा से पदाधिकारी नहीं हूँ, पदाधिकारी वोटर भी हूँ। क्या लगता है आपके इधर क्या माहौल है? आपके इधर यही माहौल है कि बहन जी के सरकार में ऐसी कोई जात ऐसी कोई धर्म नहीं है जिसको सरकारी हिस्सा नहीं है। बहन जी के कार्यकाल में सबको नौकरी मिली, कोई भी जात करे कोई भी धर्म करे। इस देश की मजबूरी है बहन जी के लिए, कुछ चाहे कुछ नहीं कर रहा है। आप खुद बता सकते हो इस सरकार से संतुष्ट हो गया। जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो काफी भीड़ है। हम बात करने वाले हैं सभी युवाओं से, एक बात बोलेंगे, ऐसे डायरेक्टली बोलेंगे। आज इधर मायावती कार्यक्रम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वामन में श्राम साहब कार्यक्रम कर रहे हैं। हम दूसरी तरफ चलते हैं, उधर भी बहुत भीड़ है, वहाँ भी बात करेंगे। और काफी बसें लगी है इधर जो है बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी बसें बहुत सारे जिलों से आए हैं। हम पैसे के लिए आया गया है, उसको लाया गया है। जो हम बात कर रहे हैं आगे, कहाँ से आए भैया? इटावा से आए हैं। क्या लगता है जहाँ पे आए हैं? आज कार्यक्रम होने वाला है और लाखों लोग इकट्ठे हैं। कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं? इधर आइए, भर चुका है क्या? हमको भी पैर रखने की जगह नहीं मिली। पूरा ग्राउंड अभी आया हूँ और अभी 11 बजे चलिए आइए आगे आइए। बहुत सारी भीड़ दिख रही है, हम सभी भीड़ से बात करना चाहेंगे। नीले गमछे में भाई सवार है, क्या परिचय है? क्या नाम है? कहाँ से है? यूपी। यूपी से? आगरा से है। क्या माहौल है आपकी तरफ? अरे अभी विधानसभा का चुनाव चलने वाला है, सभी पार्टी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? कौन सी पार्टी का माहौल है आपके तरफ? बीएसपी का है। क्या बीएसपी से आप समझता के यहाँ कार्यकर्ता या उठा रहा? पढ़ते भी हैं? क्या लगता है अब की बार जो यहाँ स्थल पर कार्यक्रम हो रहा है, ये हर साल होता है, अब की बार जगह नहीं मिलेगी क्या पैर रखने? क्या परिचय है? मायावती कोट देंगे। यहाँ पर डायरेक्टली अगर हम पूछते हैं क्या लगता है तो सीधा मायावती की तरफ इशारा कर देते हैं। चाचा क्या परिचय है आपका? आजमगढ़ से है। क्या नाम है? मजेलाल नाम है। क्या लगता है आप किसके लिए आए हैं? लोग तो मतलब उन्हीं के लिए आए हैं मायावती, लेकिन आजमगढ़ से बसपा के अलावा कोई सीट है किसी का नहीं निकलता है। बसपा की सीट ही निकलती है आजमगढ़ से और कोई सीट नहीं निकलती है? बलरामपुर से नाम सर्च करिए चैनल लिखा है माइक पे। भैया अब के बाद उनको ही। अच्छा इसके पहले किसको और दिए भाई? हम तो पहले बीजेपी थे, अब आ गए। अच्छा अगली बार बीजेपी चौहान है? चौहान है नहीं, क्या सोचकर बीजेपी में दे दिया? भैया जो सहायता करता उसी के बदले करते हैं। अब क्या लगता है बीजेपी सहायता नहीं करेगी क्या? उम्मीद हट गई है तो इसलिए बसपा की तरफ आ गए हैं। क्या नाम है आपका? चिंटू चौहान। चिंटू चौहान ये पुराने कट्टर समर्थक है भाजपा के, अब की बार बसपा में आ गए हैं। आप इधर आइए, बहुत सारी भीड़ है, सारी भीड़ से बात करें। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार बसौदा। बसौदा से हैं? मुबारकपुर। मुबारकपुर। हमारे यहाँ 15-20 साल से विधायक बसपा ही निकल रही है। बसपा 20 साल से लगातार प्रत्याशी लड़ रहे हैं। कौन कौन से प्रत्याशी? जनदेव करेली और अखिलेश यादव।
अब की बार क्या लगता है 2022 की बात करें, अब की बार हम लोग सरकार बनाए हैं। हमारे साथ में बहुत ही बुजुर्ग दादा जुड़ चुके हैं, दादा से बात करेंगे, काफी जान भी होगा। क्या दादा क्या परिचय है? पूर्व प्रधान भी है, आजमगढ़ से आए हैं। माइक देखिए, भीमराव अस्तक बसपा के रहे हैं। माइक लिखा हुआ है, तो सर्च कर अभी बाद में अपलोड हो जाएगा। जयंती में कितनी भीड़ हो जाएगी आप अंदाजा लगा? पूर्ण तिथि है, कितनी भीड़ हो जाएगी क्या अंदाजा? 15 लाख भीड़ हो जाएगी। आप सुन रहे हैं, अभी तो धीरे धीरे एक, उसके बाद दो, उसके बाद चार, 15 पे डायरेक्ट। ये देखिए, ये जो है बहुजन समाज का जनार्दन है, बहुजन समाज का ये रैला है, सैलाब है, रैली नहीं है क्या दादा? सही कह रहे हैं, सही है, रैला है। क्या लगता है दादा, आपकी बार बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। कहाँ से? अन्य पार्टी जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है, आपको कैसे? बेरोजगारी, भुखमरी, बेरोजगारी, भुखमरी, भुखमरी, इतनी कटौती, महंगाई, पेट्रोल डीजल का दाम इस तरह से बढ़ा है। आप लोग कहाँ से आए, इसे बताइए कहाँ से? दिल्ली आजमगढ़ से। कोई आजमगढ़ से है, कोई प्रतापगढ़ से है, कोई बदायूं से है, कोई आपका राज भी है भाई? निखिल कुमार फिरोजाबाद से। आप युवा है, आजकल जो है बसपा में युवा की मांग है जी, क्या लगता है आप बसपा की तरफ बढ़ रहे हैं? भैया जनपद में दिखाई दे रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाई दे रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाई दे रहा है। केवल क्या दिखाई दे रहा है, ये तो अच्छा दिख रहा है कि ये भैरवियों की सरकार अब ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली है, और बहुत जल्दी यूपी के युवा और ये हमारे दल लोग जो खड़े हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से जवाब देंगे, और जो जुमलेबाजी जो सरकार है अब नहीं चलेगी। हमारे साथ में भागपा से जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। साथ ही आगे आ जाइए, बहुत कट्टर समर्थक है बसपा के, आगे आ जाइए भैया, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है अब की बार बीएसपी की बात करें? विरोधियों को तो चौटा लग ही जाएगा 5-6 महीने बाद, जब बसपा के पास भी बार सरकार बन जाएगी। हम सभी को मिलकर छत्तीस बिरादरियों का काम करना पड़ेगा जब बसपा सरकार बनेगी। अभी हमारे समाज में मेसराम जी है, चंद्रशेखर राम जी जो है, आज के दिन बगल में माता राय अम्बेडकर पार्क में, माता रमा भाई अम्बेडकर पार्क में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को हानि पहुंचा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये इनको फंडिंग होती है, द्वारा कोई अपना नहीं पैसा, चंद्रशेखर हो, इनको भी बीजेपी, इनको सब पता है बीजेपी के लिए फंड, इनको बीएसपी खत्म करने पर कांग्रेस जब मजबूत होगी, जब बीएसपी खत्म होगी, ये बीएसपी को खत्म करने के काम कर रहे हैं सभी संगठन, पार्टी बनाते छोटे छोटे। ये सभी जो है आप जिसका नाम ले रहे हैं, क्या ये सभी को फंडिंग होता है? सभी को फंडिंग होता है इनको दूसरी पार्टी, चाहे चंद्रशेखर हो, मेजराम हो, वो क्या नाम है, मध्य प्रदेश। आपका क्या पद है बागपत? मैं पूर्व जिला प्रभारी हूँ, बिना पद के हूँ फिलहाल, पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ। कार्य कर रहे हैं लेकिन काफी सक्रिय समर्थन। जी जी, क्या बात है, हमें 5 बार बसपा सरकार बनानी है, इसके लिए ही रात दिन काम करते हैं, सोशल मीडिया द्वारा जनता के बीच में जाकर। यहाँ पे काफी जनता पीछे भी है, हम उनसे भी जानेंगे। हाँ, दरअसल क्या बात है कि बहुत विरोधी लोग पार्टी होती है जो कहती है कि पैसे से बुलाए जाते हैं, पता करेंगे कि लोग कैसे आए हैं, क्या पैसे से आए हैं, क्या लालच से आए हैं, क्या अपने साधन से आए हैं, नेता की तरफ से आए हैं। हमें बहुत ही सक्रिय और नीले रंग में दिख रहे हैं, क्या परिचय है आप थोड़ा मास्क उतारेंगे क्या? उसके नाम है कहाँ से? जौनपुर से है। जौनपुर में क्या माहौल है?
कितने लोग आए होंगे? एक बस 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 जो है किसके तरफ से? पदाधिकारी है, सांसद है, बसपा के। माइक देखिए। कहने का मतलब है कोई ऐसा साथी हो जो लालच में आया हो, हम उसको सामने लाना चाहते हैं। है कोई ऐसा व्यक्ति? नहीं है। यहाँ पे हम खुल्ला में खुल्ला चिल्ला रहे हैं, अगर कोई लालच में आया हो, कोई पैसे की जरिया से आया हो या कोई पेड़ की जरिया से आया हो तो सामने आए, क्योंकि हमें देखने को मिलता है बीजेपी में और कांग्रेस में वहाँ पे लोग पैसे देके बुलाते हैं जनता, लेकिन ये बहुजन समाज का जनार्दन है, ये अपने जोर और जुलूस के साथ आता है और बहुजन समाज के लिए आता है, यहाँ पे कोई पैसे के लिए नहीं आता है। क्या परिचय है साथी? क्या नाम है? किसान है। कहाँ से? फूलपुर आजमगढ़। फूलपुर आजमगढ़। काफी छोटे उम्र में है, युवा है, क्या बसपा को अपनी बात जिताना चाहते हैं? इस तरह से यहाँ पे लगातार हम आधा घंटा से बात कर रहे थे, सभी लोग बसपा 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 रट रहे थे, और देखा जाए तो विजय बसपा तय बसपा का नारा मिल रहा है। इसी के साथ वीडियो को देख रहे हैं जनता।